बहुत से लोग तो मेन स्विच भी ऑन नहीं करते हैं, ये कहीं दुनिया में कोई इनको रिस्ट्रिक्शन नहीं, सिर्फ पुश और पुल नहीं कर सकते ये। आज नाज़रीन, मैं आप लोगों को पेसमेकर के बारे में कुछ मालूमात फराहम करना चाहता हूँ। पहले मैं आपकी उसकी शक्ल दिखा दूँ। ये होता है पेसमेकर, इसके दो पार्ट होते हैं, ये बैटरी होती है और दूसरा इसके वायर होते हैं जो हार्ट के अंदर इम्प्लांट होते हैं। पेसमेकर है क्या? जैसे आपको पता है दिल का जो है, दिल चलता है करंट से, तो उसके अंदर ऊपर एक मेन स्विच होता है, ऊपर के कमरे, दिल में चार कमरे होते हैं, तो वहाँ से स्विच से वायर निकल जो है सप्लाई होती है, पूरे चारों कमरों को सप्लाई करती है। जहाँ जहाँ करंट जाता है वो हिस्सा पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो पंप करता है। अक्सर लोग इसको समझते हैं कोई बीमारी है, ये हेल्दी लोगों में होता है, इनका हार्ट भी स्ट्रांग होता है, ना इनका बाईपास है, ना इनके एंजियोप्लास्टी है, ये पैदाइशी तौर पे भी तार ख़राब हो सकते हैं, उम्र के साथ भी तार गिर सकते हैं, तो हम ये पेसमेकर लगाने के बाद इनकी बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक वायर वाले होते हैं, दो वायर वाले होते हैं, तीन वायर वाले होते हैं। ज़्यादातर लोग हम दो वायर वाले पेसमेकर लगाते हैं। एक वायर वाले उनको लगाते हैं जिनको एट्रल फिब्रिलेशन हो खाली, जिनकी धड़कन ऊपर वाली कमरा ख़राब हो जाए, तो मैं सिर्फ एक वायर वाले लगाते हैं। ज़्यादातर यंग लोग, हेल्दी लोग, एक्टिव लोग उनका डबल वायर लगाते हैं, तो उनको पता भी नहीं चलता बैटरी लगाने के बाद उनका हार्ट वैसे ही काम कर रहा होता है जैसे आम लोगों का। तो ज़्यादातर ये हार्ट के मरीज ज़रूरी नहीं हों, इनका हार्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, दिल की नालियाँ भी साफ़ होती हैं, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर उनमें लगाया जाता है। अब इसका प्रोसीजर ये सुन करके करते हैं, इसमें ना बेहोश करते हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, मरीज जागा रहता है। जिस तरह ये जेब यहाँ पे है, ये ऊपर जो कॉलर बोन होती है, इसके नीचे एक मोटी रग होती है, तो इसके अंदर हम वायर डालते हैं। ये वायर है जो सीधे हार्ट में जाता है, और इसको हम फिर इसके अंदर दिल के सीधे कमरे में इसको हम फिक्स कर देते हैं दिल के, और यहाँ पे और ऊपर जो है हम फिर पॉकेट बनाकर ये बैटरी जो है ये कट लगा के मसल से गोश होते हैं इसके अंदर ये डाल देते हैं, ऊपर से सी देते हैं, ऊपर से आपको कुछ भी नज़र नहीं आता है, बैटरी अंदर होती है, वायर होता है। इस प्रोसीजर में क्या ख़तरा होता है? अब हम जब इनको हम वायर डालते हैं तो जो नस होती है वो फेफड़े के बहुत करीब होती है, तो कुछ लोगों को ख़तरा होता है जब नीडल डालते हैं तो लंग डैमेज होने का ख़तरा होता है नीमोथॉरक्स का, तो उसकी वजह से उनको एक दो दिन एक्स्ट्रा रखना होता है, फिर चेस्ट ट्यूब डाल के वो उसका भी इलाज है। और क्या ख़तरा हो सकता है? हम जब वायर डालने के बाद वायर स्लिप हो सकता है, हार्ट को कुछ टाइम लगता है एंडोथेलाइज होने में, इसको वायर को हार्ट के अंदर सेटल होने में, तो वायर स्लिप हो सकता है, ये होता है तो हम इसको दोबारा खोल के फिक्स किया जा सकता है। और क्या इसमें ख़तरा हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है पूरी दुनिया में, उसको तो हम नहीं रोक सकते, इसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, स्टरलाइज ऑपरेशन थिएटर उसमें काम किया जाता है, उसके बावजूद इन्फेक्शन का रिस्क रहता है जो कि सबसे ख़राब होता है। ऐसे लोग बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं, मतलब बहुत से लोग तो मेन स्विच भी ऑन नहीं करते हैं, ये कहीं दुनिया में कोई इनको रिस्ट्रिक्शन नहीं, सिर्फ पुश और पुल नहीं कर सकते ये, मतलब कहीं ये नहीं वज़न 5 किलो से ज़्यादा उठाएँ या घर में चीज़ों को धक्का लगाएं तो तार टूट सकता है, आप देख रहे हैं बारीक तार, थोड़ा अगर इस पर स्ट्रेच पड़े ये ब्रेक हो जाए तो पूरा सिस्टम ब्रेक हो सकता है। हर के कुछ खतरात होते हैं और कुछ फवायद होते हैं। फवायद ये, बैटरी लगने के बाद हम हार्ट बीट उनकी रेगुलेट कर देते हैं कि 60 पे फिक्स कर देते हैं ज़्यादातर लोगों की, तो उनकी धड़कन पे 60 से नीचे नहीं होगी, 60 से नीचे होगी तो जनरेटर ऑन हो जाएगा, और अगर 60 से ऊपर उनकी अपनी धड़कन जब नॉर्मल होती है तो जनरेटर ऑफ हो जाता है। जिस तरह घर में बिजली आ जाए जनरेटर ऑफ हो जाएगा, बिजली कम होती है जनरेटर ऑन हो जाता है,